जी आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है चाय, बिग मग और पालक आलू वाला पराठा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़े मज़े का यमी यमी का पालक आलू का पराठा, जिस चीज़ का दिल कर रहा ना आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसिटी फैमिली, अल्लाह के करम से ठीक ठाक होगी, अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कर दी आपको रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम वापी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम वापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाएं, इरम वापी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी मैं हांडी के लिए लहसुन प्याज काटने लगी थी। लहसुन को मैंने छील के धो के पतीले के अंदर ही डाल लिया है, तो अब इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी, साथ में आपसे करूंगी बातें। बातें आपके कुछ थे क्वेश्चंस, कुछ थी खट्टी मीठी बातें, कुछ ने बहुत ज्यादा पूछा था और कुछ के आ रहे थे गिलों के, किसियों के प्यार के मैसेजेस। तो चले मैंने सोचा एक साथ ही आपके आज खड़ी होके साथ साथ में बनाते हैं। ठहर जाए, मुझे ना ये कोल लेनी है। अच्छा जी, तो बीच में आ गया मेरी बाजी का फोन, तो मैं फोन सुनने लग पड़ी तो मुझे वीडियो को करना पड़ा कट। तो मैंने लहसुन भी छील के धो के इसमें डाल लिया, प्याज भी डाल लिया, तो अब इसको रखती हूँ साइड पे और बाकी के काम करती हूँ और आपसे करती रहूंगी मैं वक्तन फवक्तन बातें जो भी होगा। और आपसे करनी है एक बहुत जरूरी बात जो मैं करूंगी जरूर इंशाल्लाह, शाहिद भाई के हवाले से वो आपसे बात करूंगी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो। तो अभी जो है मुझे करने हैं दो चार काम खत्म, फिर हसनैन के स्कूल में है आज छोटी सी पार्टी, इसको लेके जाना है वहां। तो चलें जी करते हैं और साथ में बातें भी। अच्छा जी, हांडी रखने लगी हूँ तो गरम मसाला खत्म था, तो मैंने सोचा सबसे पहले गरम मसाले को पीसूं, क्योंकि कल भी मैंने ऐसे ही ना फिर मोटा मोटा दूसरा ही डाल दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी मुझे पीसना पड़ेगा क्योंकि गरम मसाले के बगैर आपको पता है हांडी बिल्कुल नहीं बनती। इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी काली मिर्च है, दस पॉइंट। अभी मुझे किसी की फरमाइश भी आई थी कि जब आप गरम मसाला दोबारा पीसो तो हमें ज़रूर दिखाना कौन कौन सी चीज़ें आप डालते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से पहले ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। इनको मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया, आप ना भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो चीज़ें यहाँ पर देख लें जो मैंने रखी हैं, स्टार्स हैं जो तीन से चार अदद है, साबुत सूखा धनिया है, अजवाइन है 1 टेबलस्पून, ब्लैक ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, 8 से 10 हैं छोटी इलायची, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है काली मिर्च के रखे हैं, 8 से 10 मैंने बड़ी इलायची रखी है, दो दो तीन तीन इंच के 3 टुकड़े जो हैं वो मैंने क्या इसको बोलते हैं सिनमन को, हाय अल्लाह सिनमन उर्दू जी भूल गया क्या इसको बोलते हैं, चले सिनमन जो भी है याद आ जाएगा तो आपको बता दूंगी, और कड़ी पत्ते 3 से 4 हैं और ज़ीरा वाइट ज़ीरा जो नॉर्मल होता है। तो अब इन सबको डब्बी में डाल के तो मैं पीस लूँगी, सिनमन का नाम अगर मुझे याद आ गया तो बताती हूँ। चलिए सिनमन का नाम याद आ गया, दालचीनी दालचीनी दालचीनी। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी डब्बी में, आजकल मेरे को डब्बी भी छोटी है, अच्छे ने गुजारा तो दे रही है ना, बड़ी मैं लगा नहीं रही, पहले मेरी बड़ी डब्बी होती थी तो वो मेरी टूट गई है, तो अब जो दूसरी बड़ी है मैं उसको लगाना नहीं चाहती, क्यों, क्योंकि फिर सब में ना गरम मसाले का वो आना लग जाता है, ये ना सारा नहीं जाएगा, पहले इसको करती हूँ फिर उसको करूँगी, नहीं तो फिर सारी चीज़ों में ना गरम मसाले का टेस्ट आना शुरू हो जाता है, पहले इसको पीस लेती हूँ। अच्छा जी, तो गरम मसाला हमने अच्छे से पीस लिया है, अभी सारे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से आपकी ना जो मसाले की डिब्बी होती है ना वो भर जानी है इसके साथ, जब खत्म होती है फ्रेश तो पीस लें। इसको मैं करती हूँ साइड पे
इस गरम मसाले से आपकी हांडी जो बनेगी ना उसमें कोई और चीज आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, इतना मजे का खाना इस घर के गरम मसाले के, कुटे पिटे गरम मसाले का मजा ही अपना है। चलिए मैं इसको डब्बी में डालती हूँ, फिर आपसे पा सकती हूँ। तो हसनैन को छोड़ा है उसके स्कूल, जैकेट उसकी उन्होंने मुझे वापस कर दी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्कूल टाइम नहीं है। क्योंकि अभी मैं जाऊंगी वापस घर, आमर अब इसको उठा लेंगे क्योंकि फ़ायदा नहीं है मेरा घंटा यहाँ पे खड़े होने का, मेरे कोई और सौ काम है करने वाले वो हो जाएंगे। तो चैलेंज चलते हैं घर। आप लोगों के जो बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि शायद भी कि वीडियो नहीं आ रही, कल से आप ही पता करें, आप ही पता करें क्या है, तो कुछ थोड़ी सी उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी और वो कुछ आई थिंक आउट ऑफ सिटी थे, तो जो भी काम के लिए गए थे वो भी, और आज मेरे ख्याल से उनकी वीडियो आएगी डेफिनेटली। हो सकता है मेरी वीडियो से पहले ही आ जाए, मेरी बात हुई थी उनसे, कल मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा था तो थोड़ी मैं भी परेशान हो गई थी कि अल्लाह खैर करे कभी शाहिद भाई ने ऐसा किया नहीं है। उस्मा का तो मुझे पता था कि उस्मा कहाँ गई हुई है, लेकिन परेशानी थी। चलो कोई भी बात हो, बंदा ये कहता है कि कोई भी बात आए ऐसी आए जो दुख सुख आने जाने वाला हो, तो वक्ती तौर पर वो परेशानी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थी वो टल चुकी है। अब बस आप हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और दुश्मनों के शर से बचाए, यही दुआ होनी चाहिए। तो बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना साथ दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।